हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज गिवन बाय द हेनरी फ्योल इन देयर फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. बेटा जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन and beta for their contribution in managerial thought. Beta Henry Fayol is also known as father of modern management. Beta objective mein pucha jata hai, so aapko yaad rakhna hai ki father of modern management kaun hai? Henry Fayol. Beta jo unhone book likha aise hi likh nahi diya, uske liye unhone bahut sare रिसर्च किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए. आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल दिए विच कैन बी फॉलोड बाय होल वर्ल्ड. द मैनेजर ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी यूज. सो बेटा वो 14 प्रिंसिपल कौन से हैं? 14 प्रिंसिपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ये 14 प्रिंसिपल अगर मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. सो बेटा इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे, 7 पॉइंट के. बट सबसे पहले मैं आपको 14 प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. देख लीजिए आपके 14 प्रिंसिपल आपके सामने. पहला प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सिक्स सब प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एट्थ प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन, टेंथ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इलेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ट्वेल्थ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, थर्टीन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड लास्ट 14 प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी क्रॉप दैट इज टीम वर्क. ये टोटल 14 प्रिंसिपल जो हमको करना है, तो एक एक प्रिंसिपल मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं. सो प्लीज बेटा देखेंगे इसको. फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा बेटा प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. डिविजन ऑफ वर्क, द वर्ड इंडिकेट डिविजन. डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. बेटा जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिविजन ऑफ वर्क होता है, वहां पे स्पेशलाइज सर्विस मिलती है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम अपने घर का एग्जाम्पल देते हैं. समझो अगर हमारे घर में ही 3 या 4 औरतें हैं और सबको डेली बेसिस पे वही काम करना है, अगर उनमें डिविजन नहीं है कि किसको कौन सा काम करना है, जैसे खाना बनाना है चारों मिलकर खाना बना रहे, झाड़ू मारना है चारों मिलके झाड़ू मार रहे, कपड़े साफ कर रहे हैं चारों मिलके कपड़े साफ कर रहे, तो बेटा आपको लगता है कि सारे काम प्रॉपर हो जाएंगे? आपका भरोसा नहीं, आप बोल सकते हैं हाँ सर चारों मिलके करेंगे अच्छा हो जाएगा, बट नहीं बेटा. अगर चारों मिलके खाना बनाएंगे तो आपने सुना रहेगा टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप, चारों मिलके खाना बनाएंगे तो डेफिनेटली खाना अच्छा बनने वाला नहीं है. बट अगर थोड़ी सी समझदारी की जाए और प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्या बोलता है कि द पर्सन हु आर एक्सपर्ट, हु आर इंटेलिजेंट, हु आर नॉलेजेबल इन विच फील्ड, जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दो, जिस फील्ड में जिसको इंटरेस्ट है वो काम दे दो, उनके काम को डिवाइड कर दो. फॉर एग्जाम्पल जिसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है उसको खाना बनाने का काम दे दो, जिसको साफ सफाई अच्छा लगता है उसको साफ सफाई का काम दे दो, जिसको कपड़े धोने अच्छे लगते हैं उसको कपड़े धोने के लिए दे दो, बेटा वो अपने काम में भी इंटरेस्ट रहेगा और काम भी अच्छे से होगा. दैट इज कॉल्ड एज डिविजन ऑफ वर्क. वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं बेटा.
लाइक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होता है। तो जितने भी हमारे पास मैनेजर है बेटा, सबको उनके काम क्या कर देने चाहिए, डिवाइड करने चाहिए। डिवाइड करने से हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, दैट इज बेस्ट होता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। एंड डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। बेटा सेकेंड पॉइंट हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब राइट, पावर भी बोल सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबको मांगना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना। बेटा इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देर इज अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, समझो किसी मैनेजर ने अपने सब ऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, कोई काम दे दिया तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया उसको वो काम करना है। बट बेटा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उसको क्या मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए ताकि वो काम को कर सके। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया बेटा, काम दे दिया, बट अथॉरिटी है ही नहीं उसके पास, तो कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे मूवी देखते, पिक्चर में आपने देखा रहेगा, समझो किसी पुलिस इंस्पेक्टर को हमने बोल दिया आप जाओ सारे मुजरिम को पकड़ो। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया बट उसको पावर दिया ही नहीं, उसको बोले नहीं आप मार नहीं सकते किसी को, तो कैसे पकड़ेगा, वो लोग उसको गोली मार देंगे। तो बेटा पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में क्या देना चाहिए, अथॉरिटी देना चाहिए कि कोई भी बीच में आए तो आप उसको पनिश कर सकते हो, उसको गोली मार सकते हो। सो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, समझो मैनेजर ने अपने सब ऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आपको एक हफ्ते में 50 लाख रुपीज का क्या करना है, सेल करना है। तो एक हफ्ते में 50 लाख रुपीज का सेल करना है और आपका जो क्रेडिट पीरियड है वो आप 20 डेज का दे सकते हो। बट मैनेजर को ऐसा लगता है कि नहीं, हम 20 डेज के क्रेडिट में ये ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे, टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कम से कम हमको 30 डेज का टाइम चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहे हैं कि मैनेजर ने हमको 20 डेज का टाइम दिया और हमको 30 डेज लगने वाले हैं, तो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। सो बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो उसके साथ में क्या देना चाहिए, उसको पावर भी देना चाहिए। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर प्रॉपर अथॉरिटी है तो वो अपने काम को क्या करेगा, बखूबी निभा पाएगा। सो वहां पे प्रॉपर होना चाहिए, अथॉरिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्रॉपर होनी चाहिए। बट हमारा थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बेटा ये डिसिप्लिन वर्ड हम आज से नहीं, बचपन से, स्कूल के टाइम से सुनते आ रहे हैं। स्कूल से हमको सिखाया जा रहा है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्लास में सिखाया जाता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। बेटा आप सबको बताइए, जिस क्लास में, जिस स्कूल में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस घर में प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, डेफिनेटली वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रहते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को वहां के एम्प्लॉइज ने, वहां के सब ऑर्डिनेट ने, सबने क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, उस डिसिप्लिन पे काम करना चाहिए। तो वहां पे क्या चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन है दैट मीन्स और डेफिनेटली वो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेस होगा। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ गुड लीडरशिप। मतलब जहां पे डिसिप्लिन है डेफिनेटली वहां पे लीडरशिप अच्छी है। सो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इवन आपके अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। बेटा फोर्थ पॉइंट है हमारा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बेटा यूनिटी का मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड कमांड मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को कमांड देना। तो यूनिटी ऑफ कमांड दैट मीन्स व्हाट बेटा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कमांड देने का पावर एक ही के पास होना चाहिए। अगर बेटा एक वर्ड में बोल सकता हूं, वन बॉस वन पर्सन, मतलब एक पर्सन के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अगर वहां पे एक से ज्यादा बॉस है, मतलब वो पर्सन या वो इम्प्लॉई या वो सब ऑर्डिनेट
अगर एक बॉस का ऑर्डर फॉलो करता है तो डेफिनेटली वहां पे उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. बट इफ देयर आर हैविंग द मोर देन वन बॉस, देयर इज अ कंफ्यूजन कि किसका ऑर्डर सुने. एक बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट देना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि 30% डिस्काउंट देना चाहिए. सो बेटा क्या करेगा वो, सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा एंड ही नॉट एबल टू टेक द डिसीजन. सो सिंगल बॉस होना चाहिए जो ऑर्डर दे, और उसी के ऑर्डर को हमको क्या करना, फॉलो करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड. बेटा हमारा फिफ्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दैट मीन्स व्हाट, एक वर्ड में वन हेड वन प्लान. बेटा ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एक ही होता है कि हमको ये अचीव करना है, हमको यहां तक पहुंचना है. तो बेटा यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक ही मैनेजर होना चाहिए. भले यहाँ पे देयर आर इन द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, एक ही मैनेजर ने क्या करना चाहिए, उस ग्रुप को कंट्रोल करना चाहिए और उस ग्रुप को क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए हाउ टू रीच देयर. वन हेड वन प्लान. अगर वहां पे चार लोग हैं प्लान बनाने वाले, चार लोग हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे. सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट मीन्स वॉट, वन हेड वन प्लान. बेटा हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, दैट इज सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. किसी भी बिजनेस में बेटा कोई, अगर कोई सब ऑर्डिनेट है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकता. उसको लगता है कि ये काम करूंगा तो इस काम को करने से तो बिजनेस का फायदा होगा, मेरा थोड़ा ना फायदा होने वाला है. उसने ऐसा नहीं सोचना है. सब ऑर्डिनेट को पहले किसके बारे में सोचना है, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है. अपना बाद में सोचना है, पहला काम बिजनेस के बारे में सोचना है. जैसे बेटा किसी भी प्ले में, लाइक क्रिकेट में, प्लेयर्स अपने लिए नहीं खेलते, दे प्ले टू विन द मैच नॉट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट. वैसे ही बेटा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक किसी सब ऑर्डिनेट, किसी इंडिविजुअल के बारे में हम डिसीजन लेते, वो रॉन्ग है. हमको या हमारे मैनेजर्स पहले किसके बारे में सोचते, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते. ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली हमारा ही बेनिफिट होने वाला है. बेटा जैसे हम लोग मंदिर जाते बोलते भगवान मेरा भला करो, भगवान मेरा भला करो, ऐसा नहीं. लोग बोलते हैं, हमारे पूर्वज ऐसा बोलते हैं, बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं. आप बोलो कि भगवान सबका भला हो, और सबका भला होगा तो उसमें हमारा भला भी होगा. तो दैट इज सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. हमको सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है. एंड बेटा सेवेंथ पॉइंट हमारा, सेवेंथ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दूसरा नाम इसका ये भी है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. बेटा सेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स वॉट, टॉप लेवल. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं, जहां पे डिसीजन लिया जाता है या जहां पे डिसीजन लेने का पावर होता है, लाइक जो बिग पर्सनालिटीज होती है वहां पे, टॉप मैनेजमेंट लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ. इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा देयर आर थ्री लेवल, दैट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. तो बेटा टॉप लेवल पे क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन. वहां से लोअर लेवल को बोला जाता है, लोअर लेवल, सॉरी मिडल लेवल को बोला जाता है, और मिडल लेवल इसको इंस्ट्रक्शन देता है लोअर लेवल को. सो सेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स और बेटा हमारे कंट्री में भी यही कंडीशन. देखो सेंट्रल लेवल ले दिल्ली, जहां पे हमारे पीएम बैठे हैं, वहां से पूरे स्टेट के लिए क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और सारे स्टेट को क्या करना पड़ता है, उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है. तो दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रलाइजेशन. तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, एक सेंट्रल लेवल होता है, एक टॉप लेवल होता है जहां पे डिसीजन लिया जाता है, एंड उसके बाद वो डिसीजन बेटा मिडल लेवल को दिया जाता है, और मिडल लेवल अपने लेवल पे क्या करता है, वहां पे डिसाइड करता है, और किसको बताता है, लोअर लेवल को, और लोअर लेवल बेटा अपने लेवल पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. बेटा तो ये सेवन पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
third, principle of discipline. Fourth, principle of unity of command. Fifth, principle of unity of direction. Sixth, subordination of individual interest to organizational interest. And seventh, principle of सेंट्रलाइजेशन. बेटा इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, पर्सनल फोन करके भी पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम. एंड बाकी के जो 7 पॉइंट है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं बता रहा हूँ. सो प्लीज देखते रहेंगे. और इसके साथ में मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक का पीडीएफ दिया बेटा उसको डाउनलोड करके पढ़ो आप, जो भी डाउट है क्लियर करो. थैंक यू.